तैयार हो गए हैं और अभी मैं उनके साथ जो है वो मटिहानी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, जो कि बेगूसराय का सबसे हॉट सीट माना जा रहा है। और बता दें कि ये हॉट सीट क्यों माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है जदयू के कद्दावर नेता बोगो सिंह जो है करीब तीन बार से वो यहाँ विधायक बनते आ रहे हैं। अब हमारे साथ हैं एनएसवाई के प्रदेश उपाध्यक्ष निशान जी, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि वो भी जो है मटिहानी विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेगूसराय टाइम्स पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए कि किस तरह से आपने इस राजनीतिक जीवन में की शुरुआत की थी। सबसे पहले मैं छात्र राजनीति से 2010 में जुड़ा और 2010 में छात्र राजनीति में जुड़ने के बाद हम SBSS कॉलेज के कॉलेज उपाध्यक्ष, उसमें हम बेगूसराय जिला के एक बार इलेक्टेड अध्यक्ष बने, एक बार नॉमिनेट अध्यक्ष बने, उसके बाद राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा NSUI के अंदर, उसके बाद मैं प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव लड़ा NSUI छात्र संगठन के अंदर। बहुत कम वोटों के अंतर से मैं चुनाव में पीछे रहा और बिहार का प्रथम उपाध्यक्ष बना। ये हमारी छात्र राजनीति की शुरुआत थी और हमने छात्र राजनीति में रहते हुए छात्रों की आवाज़ को, युवाओं की आवाज़ को, किसानों की आवाज़ को, सभी वर्गों की आवाज़ को उठाने का काम लगातार किया है। मैं बता देना चाहता हूँ 2020 का जो ये बिहार विधानसभा चुनाव है, ये सिर्फ मटिहानी विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये पूरे बिहार का चुनाव है। और ये जो चुनाव है ये युवा पीढ़ी को आगे आने का चुनाव है, ये जो चुनाव है नेतृत्व के परिवर्तन का चुनाव है। जिस प्रकार से आज आप बिहार के अंदर देख सकते हैं कि किस प्रकार से छात्र परेशान हैं, युवा परेशान हैं, किसान परेशान हैं, मजदूर परेशान हैं, सभी वर्ग के परेशान हैं। और जो आप विकास की बात कर रहे हैं वो विकास पूरे बिहार के अंदर दिखना चाहिए था, लेकिन 15 वर्षों के शासनकाल में जो आपने देखा कि कहीं पर भी किसी भी प्रकार का विकास आप नहीं देख सकते। जहाँ तक बात रही बेगूसराय जिले की बात, जहाँ तक बात रही मटिहानी विधानसभा की बात, तो मेरा अपना मानना है कि बेगूसराय जिला 1972 में बना और 72 के बाद जो विकास श्री बाबू के नेतृत्व में हुआ था वही विकास पर हम अभी भी चल रहे हैं, कुछ नया विकास देखने को नहीं मिला। और जैसा कि आपने कहा कि मटिहानी विधानसभा का जो 3 दशक से विधायक बनते आ रहे हैं, तो विधायक जनता बनाती है और जनता निर्णय लेती है कि किसको कब परिवर्तन करना है। और आज बिहार के अंदर एक परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं कहना चाहता हूँ कि बदला नहीं, बदलाव चाहिए। और युवा नेतृत्व का जो एक सवाल है आज की डेट में, चूँकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो चुनाव होगा ये युवा के विकास के लिए चुनाव होगा, ये युवा के नेतृत्व के लिए चुनाव होगा, शिक्षा के लिए चुनाव होगा, चिकित्सा के लिए चुनाव होगा, विज्ञान के लिए चुनाव होगा, किसान का चुनाव होगा। इस चुनाव को हम आने वाले हर चुनाव से अलग चुनाव के रूप में आप देखिएगा। और जब भी कोई बड़ा परिवर्तन हुआ है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह परिवर्तन छात्र और युवा ने किया है। कोई भी प्रकार का आंदोलन आप उठाकर देख सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है तो मैंने 10 सालों तक बिना कोई काम किए हुए छात्रों की सेवा, युवाओं की सेवा, सभी वर्गों के लोगों को आवाज़ को उठाने का काम किया है। और राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय बने उसको लेकर मैंने बहुत जोरदार आंदोलन शुरू किया था और GD कॉलेज के मुख्य द्वार पर 5 दिनों का भूख हड़ताल किया था। और 2012 में जब नीतीश कुमार बेगूसराय आए थे तो हमारे और कुछ पदाधिकारी और साथीगण के साथ काला झंडा दिखाने का काम किया था, उस पर FIR भी हम पर हुआ था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि किस चीज़ की विकास की बात हो रही है आज के दौर में। मेरा जिला नहीं विकास किया, मेरा राज्य नहीं विकास किया, मेरा विधानसभा नहीं विकास किया, तो किस चीज़ की विकास की बात आज हो रही है। वो विकास सिर्फ दिखावे का विकास है, वो विकास सिर्फ चुनाव का विकास है। वैसे विकास में जनता विश्वास नहीं करती है। विकास वैसी होनी चाहिए जो आम आवाम को दिखे, आम आवाम बोले। आज चुनाव है, हम नेता हैं, हम किसी पर टिप्पणी कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी भी व्यक्ति पर टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन इस नेताओं के टीका टिप्पणी से विकास का मॉडल नहीं तैयार होता है। विकास का मॉडल आप आम जन में जाके पूछिएगा। आम जन अगर कहेंगे कि अमुक व्यक्ति अच्छे हैं, अमुक व्यक्ति ने विकास किया है, तो इसको प्राथमिकता दिया जाएगा। इस बार जो है मटिहानी विधानसभा से आप क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? बेगूसराय में तो 7 विधानसभा क्षेत्र है, अब मटिहानी विधानसभा से ही क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं? देखिए मटिहानी विधान और मटिहानी विधानसभा की जो बनावट है वो एक ऐसी बनावट है कि आज़ादी के बाद से मटिहानी विधानसभा में कई स्वतंत्रता सेनानी हुए, कई ऐसे नेता हुए जो पटना की राजनीति में अपनी प्राथमिकता को दर्शाया, बेगूसराय जिले की राजनीति में अपनी प्राथमिकता को दर्शाया,
और मटिहानी एक ऐसा विधानसभा है जो वहाँ के युवा जागरूक हैं, वहाँ के किसान जागरूक हैं, वहाँ के मजदूर जागरूक हैं, और अब आवश्यकता है परिवर्तन की मटिहानी विधानसभा के अंदर, क्योंकि मटिहानी विधानसभा बदलाव चाह रहा है और उस बदलाव की कड़ी में हम लोग का एक प्रयास रहा है कि हम लोग ने जो कार्य किया है, अगर संगठन के अंदर हमने कार्य किया है और जाते हैं और युवा का समर्थन मिलता है तो जरूर हम मटिहानी का विकास भी करेंगे और मटिहानी विधानसभा का बदलाव भी करेंगे। चुनावी मुद्दे जो होते हैं वो पार्टी तय करती है कि क्या मुद्दा हमारा रहेगा चुनाव में, लेकिन कुछ लोकल इशू भी होते हैं जो कि वहाँ के नेता उठाते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि मेरा प्रथम मुद्दा है कि बेगूसराय जिले में राष्ट्रकवि दिनकर जी के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना हो, हर विधानसभा में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो, छात्रों को रोजगार मिले, युवाओं को उनका जो अधिकार है वो मिले, और जो परेशानियां रही है छात्रों को उस परेशानी से हम दूर करेंगे। जैसे कि मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा नाम अगर निशांत है और उसके एक स्पेलिंग में गलती हो जाता है तो दरभंगा जाकर उसको ठीक करवाने में उस बच्चे को कम से कम हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं और मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैंने देखा है छात्र जीवन में कि किस तरीका से परेशानी छात्रों को होता है। तो अगर राजनीति में हम आए हैं, राजनीति को हम आगे करना चाहते हैं, तो हमारी पहली प्राथमिकता छात्र, युवा, किसान, मजदूर होंगे और उनको लेकर जो भी समस्याएं होगी हम उसको लेकर आंदोलन करेंगे। छात्रों के लिए एक मुद्दा है कि डिग्री कॉलेज नहीं खुला है अभी तक, क्या करेंगे आप? अगर सबसे आपने जो सवाल किया वो सही किया है, बेगूसराय में कुल 8 डिग्री कॉलेज वर्तमान परिवेश में है और बेगूसराय का एक ऐसा जिला है कि ये जिला अपने आप में एक मायने रखता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे जो भी आदि क्षेत्रों में, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में हो। हमारा जिला जो है, इस जिले में खगड़िया, समस्तीपुर, भागलपुर, लखीसराय और भी कई जिलों के छात्र आकर पढ़ते हैं और उनको नामांकन की समस्या होती है और वो पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने कई बार लिखा है राज्य सरकार को कि डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ाई जाए। पहले एडमिशन में फिजिक्स में जो सीटें 26 हुआ करती थी, 32 हुआ करती थी, 72 हुआ करती थी, वो सीटें अभी 352 पर एक कॉलेज में वो सीटें हुई हैं। तो ये एक लड़ाई इंडिपेंडेंट है जो हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन आपका सवाल सही है कि विधानसभा स्तर पर डिग्री कॉलेज होना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े तो प्रखंड स्तर पर भी डिग्री कॉलेज की स्थापना सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हम छात्रों को पढ़ाना चाहते हैं, छात्रों को शिक्षित करना चाहते हैं, तो हम कैसे उनको शिक्षित करेंगे जब अपने गांव के हम बहन को 100 किलोमीटर भेजेंगे, 50 किलोमीटर भेजेंगे पढ़ने के लिए, कैसे भेज पाएंगे, चूँकि सभी लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते। तो अगर किसी भी चीज़ का हम विकास करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को आगे लेकर जाना चाहते हैं, तो एक व्यक्ति अगर मॉनिटरिंग करके कोई भी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें तकनीकी प्रॉब्लम होती है। अगर वही सभी लोगों को बैठाकर उसको एक कोऑर्डिनेशन कमिटी बनाकर हम वो चीज़ करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद निशांत जी हमारे चैनल पर आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। हमारे साथ थे NSY के प्रदेश उपाध्यक्ष निशांत जी। तो अभी इसी तरह देखते रहिए बेगूसराय टाइम्स और मनु।